हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अल्टरनेट एनर्जी सोर्स का, दैट इज चैप्टर टू। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सोलर एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट अल्टरनेट सोर्स। यहाँ पर पिक्चर हम देख रहे हैं जो हर समय हम बाहर में या घर में भी लगाते हैं, दीज आर कॉल्ड पीवी या सोलर पैनल्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज सन, क्यों सोलर एनर्जी जरूरी है, क्या प्रिंसिपल है कन्वर्जन का सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एंड हीट। उसके बाद हम लोग जानेंगे सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री, अर्थ पे जो भी सन का रे आता है उसका क्या क्या एंगल रहता है और किस किस एंगल पे हम ये अपना सोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटर या फिर ये पीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उससे पहले एंगल जानना ज़रूरी है, तो सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ एंगल। सो आज पार्ट वन हम लोग देख रहे हैं सोलर एनर्जी का। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट सोलर एनर्जी आता कहाँ से है, तो सन से आता है। वी विल सी समथिंग अबाउट दिस सन। Sun is the basic source of energy for Earth. Solar energy is available in the form of electromagnetic radiation. Sun is large sphere of very hot gases, heat being generated by the various fusion reaction. This is important कि हमारा nuclear fusion reaction होता है sun के अंदर। Diameter of sun is approx 1.39 × 10⁶ kilometer. Diameter of Earth is 1.27 × 10⁴ kilometer. And Sun subtends an angle of 32 minute, not degree. This is minute, 32 minute at Earth's surface because of large distance between them. So actually ye angle, hum dekhte hain ki if this is the Sun and this is the Earth, then the angle made here, this angle is 32 minute. ये अगर सन है, ये अगर अर्थ है, तो दिस इज द एंगल। सो ये यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं। सन सब्सटेंस एन एंगल ऑफ ओनली 32 मिनट at Earth's surface because of large distance between them. The sun is mainly composed of hydrogen. The rest is predominantly helium 4. Hydrogen is the fuel for nuclear fusion that takes place inside the sun and produces helium. However, the helium form contained in the sun for the most part of the originates from previous stellar lives. So sun is mainly consists of hydrogen, और हाइड्रोजन के अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन से हमारा एक चेन रिएक्शन होता है जिससे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वी विल सी कि हम सोलर एनर्जी क्यों यूज करेंगे, व्हाई सोलर एनर्जी। सो द वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन प्रेडिक्टेड एस्टिमेशन अबाउट द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज शोज दैट कोल डिपॉजिट्स। जो कोल है हमारे पास वो नेक्स्ट 200 to 300 ईयर्स तक का है। अभी पेट्रोलियम भी हमारा कुछ डिकेड के बाद ख़त्म हो जाएगा। सो द मोस्ट एडवांटेज यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज दिस इज दैट दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। इसलिए हम सोलर एनर्जी का एक एडवांटेज ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े, ये वर्ल्ड का मैप हम देख सकते हैं, बहुत बड़े एरिया को ये कवर करता है। सो इंश्योरिंग द डेवलपिंग रीजन सच एज इंडिया, सेम इंडिया के होते हुए
में गुजर रहा है जस्ट अबव द इक्वेटर. द ह्यूज कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कैन कॉज विजिबल डैमेज टू एनवायरमेंट इन वेरियस फॉर्म्स. सेकेंड रीजन ये है कि हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स है उसके कारण जो भी हमारा जो डैमेज हो रहा है फिजिकली, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन और कई सारे पॉल्यूशन, वो हमारा इस नहीं होता. सो बिकॉज ऑफ दिस वी विल यूज सोलर एनर्जी. लेट अस सी द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन टू द अर्थ. कितना एनर्जी हमें अर्थ पे मिलता है. सपोज द इनकमिंग सन एनर्जी 100% टू द अर्थ एटमोसफेयर, देन 6% ऑफ देम इज रिफ्लेक्टेड बाई एटमोसफेयर. एटमोसफेयर जो अपर लेयर है अर्थ का, उससे 6% रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है. देन 20% आर रिफ्लेक्टेड बाई द क्लाउड्स. देन 4% रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस. हमारा अर्थ सरफेस से 4% रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है. देन दिस एब्जॉर्ब बाई एटमोसफेयर इज 16% एंड एब्जॉर्ब बाई क्लाउड्स इज 3%. कंडक्शन एंड राइजिंग एयर इज 7%. सो एब्जॉर्ब बाई लैंड इज एंड ओशियन इज 51%. सो इसे हमें यूटिलाइज करना है. 51% 50 बाई अप्रॉक्स हाफ वी कैन यूटिलाइज. नेक्स्ट वी हैव द 64% ऑफ द रेडिएटेड टू द स्पेस from cloud and atmosphere and 6% radiate directly to space from earth. So this is the earth energy budget ki kitna energy hame sun se mil raha hai aur kitna hum isse utilize kar sakte hain. Next we will see the conversion of solar energy. So principle of conversion of solar energy into heat and electricity. Producing electricity using solar energy. Solar energy can be used to generate electricity in two ways. First is thermal and solar energy. Using the solar energy for heating fluids or its fluid ko heat karke, which can be used as a heat source or to run turbine to generate electricity. Second hai hamara hai photovoltaic solar energy. Using solar energy for the direct generation of electricity using photovoltaic phenomena. जो यहाँ पे हो रहा है. सो इन दिस टू वेज वी कैन यूज द सोलर एनर्जी, थर्मल एंड फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी. फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी केम कम्स फ्रॉम द वर्ड फोटो. फोटोज का मीनिंग होता है लाइट एंड वोल्ट ए मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक यूनिट है. फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन बाय यूजिंग ए फोटोवोल्टिक सिस्टम. ए बेसिक फोटोवोल्टिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट, जिसमें एक सोलर पैनल, देन वी हैव द बैटरी, रेगुलेटर एंड द लोड जो क्या चलाना है. ये मेनली हमारा 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सोलर पैनल, बैटरी, रेगुलेटर एंड द लोड. सो दिस इज द फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी, इससे कन्वर्जन होता है. नेक्स्ट वी विल We'll see that solar radiation geometry. Sun का हम किस तरह से अपने solar panels को हम aligned करें, किस सोलर का हमारा जो 50% जो अर्थ पे लैंड पे हमारा जो आ रहा है solar radiation, उसको utilize करना है. So let us see the radiation geometry. इसमें कुछ terms है, that is solar constant, measurement indicate that energy flux, rate of energy transfer through a unit area is called energy flux. Received from sun outside the earth atmosphere is essentially constant. Solar constant ISC, intensity ISC, the rate at which energy received from the sun on a unit area perpendicular to the rays of the sun at a mean distance of the earth sun is approximately ke chale hum. इस जगह पे जो हमारा वैल्यू आता है वो आता है 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर. मीन्स एक मीटर स्क्वायर में 1367 वाट का हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पावर मिलता है. द सोलर कॉन्स्टेंट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशन, नॉट जस्ट द विजिबल लाइट. सो हमारा ये
सॉलिड कांस्टेंट है. नेक्स्ट वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री. इस ज्योमेट्री को जानने के लिए पहले हम जानते हैं लिटिल बिट अर्थ के बारे में. अर्थ एंड दिस इज द सन. एज वी नो दैट अर्थ इज नॉट लाइक दिस, इट इज टिल्टेड टुवर्ड द एक्सिस. Of rotation, this is the sun and this is the earth. Earth को हम distribute किए हैं. We have distributed the earth into latitude and longitude. दो भागों में हम इसे divide किए हैं. सेंट्रली जो हाफ उसको कट करता है, दैट इज एक्सिस के टोटली परपेंडिकुलर जो हम दो हाफ में अर्थ को काटते हैं, दिस इज कॉल्ड द इक्वेटर. इसे इक्वेटर बोलते हैं. इफ दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ. सो लैटिट्यूड हमारा होता है अक्षांश, इसको हिंदी में अक्षांश बोलते हैं. दीज आर द पैरेलल लाइंस, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड. देन वी हैव लॉन्गिट्यूड, इसको कि हम देशांतर बोलते हैं, जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाता है. दिस इज लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर. सो इन सब को हमने डिग्री में बांट रखा है. दिस स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन इज 0 degree इक्वेटर. और अगर हम लॉन्गिट्यूड देशांतर की बात करें तो 0 degree जो हमारा फर्स्ट लॉन्गिट्यूड होता है, दैट इज द प्राइम मेरिडियन. इसको मेरिडियन या देशांतर रेखा बोलते हैं या मध्याय भी बोलते हैं. दिस इज द मेरिडियन. यहाँ से हमारा ये 360 degree का फुल रोटेशन होता है इन 24 hours. सो 360 degree, वी हैव 360 degree इन 24 hours. सो हमारा जो 1 degree है अप्रॉक्स 4 minutes का होता है, 1 degree ऑफ लॉन्गिट्यूड. सो ये कुछ बेसिक आइडिया था. क्योंकि इस टर्म्स को हम लोग यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, कुछ सोलर एंगल्स को समझने के लिए. फर्स्ट इज आवर डिक्लाइनेशन एंगल. डिक्लाइनेशन मतलब जानते हैं झुकाव या ढाल. दिस इज द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये हमारा इक्वेटर है. So the angular distance of the sun rays north or south of the equator, it is the angle between the line extending from the center of the sun to the center of the earth and the projection of this line upon earth's equatorial plane. इसको बोलते हैं हम लोग, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं. This is our angle of declination. That is the angular distance of the sun ray north या south of the equator से कितना हमारा ये angle है. This is means sun का ray कितने angle पे हमारा north to south जो angle लेते हैं, that is angle of declination divided by delta. Next hour is our angle. Our angle जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर denote कर रहे हैं ओमेगा से. आवर एंगल इज डिफाइन एज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द मेरिडियन व्हिच प्लेन कंटेन्स द सन. ये हमारा अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टिल्टेड है
जो इक्वेटोरियल लाइन जो जा रहा है उससे जो भी हमारा एक स्पेस बनता है दैट इज कॉल्ड क्लिस्टेरियल इक्वेटर। ये हमारा नॉर्थर क्लिस्टेरियल पोल है जो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, और ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट क्लिस्टेरियल इक्वेटर का एक इमेजिनरी ग्लोब है। तो आवर एंगल क्या है, डिफाइन एज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द मेरिडियन व्हिच प्लेन कंटेन्स द सन, दिस इज द आवर एंगल ओमेगा। ये हमारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है जो अभी देखा था, दिस इज द मेरिडियन। तो मेरिडियन से और जो ये प्लेन है जिसमें सन कंटेन है दोनों के बीच में जो एंगल बनता है सन का रे का और मेरिडियन के बीच में दैट इज कॉल्ड ओमेगा। द आवर एंगल इज जीरो एट सोलर नून व्हेन द सन रीचेज हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। ये जीरो रहेगा अगर हम इसको डायरेक्ट नॉर्थ पोल या साउथ पोल में डायरेक्ट अगर सन चला जाता है ऑन द टॉप। एज द अर्थ रोटेट्स दिस एंगल इंक्रीजेज बाई 15 डिग्रीज एवरी आवर, सो दिस इज कॉल्ड आवर एंगल। नेक्स्ट वी हैव द एल्टीट्यूड एंगल। द सोलर एल्टीट्यूड एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द सेंट्रल रे फ्रॉम द सन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन कंटेनिंग द ऑब्जर्वर एज शोन इन फिगर। सो जहाँ पर हम खड़े हैं द हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पर हमारा ये आकाश जमीन से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसको बोलते हैं होराइजन। जहाँ पे आकाश हमारे जमीन पे मिल रहा है उसको होराइजन बोलते हैं। तो उस होराइजन से जो फर्स्ट एंगल बनता है दैट इज द जीरो, उससे हम जितसे से होराइजन से ऊपर तलते जाएंगे दिस इज आवर एल्टीट्यूड एंगल। यहाँ पे हमारा अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो यहाँ से हमारा ये रहा होराइजन और इससे कितना एल्टीट्यूड हम ऊपर हैं दिस इज द एल्टीट्यूड एंगल। सोलर एल्टीट्यूड एंगल डिफाइन द एंगल बिटवीन द सेंट्रल रे फ्रॉम द सन एंड ए हॉरिजॉन्टल, ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन कंटेनिंग द ऑब्जर्वर, दिस इज द एल्टीट्यूड एंगल। नेक्स्ट वी हैव द इंसिडेंट एंगल। इट इज द एंगल बिटवीन ए रे इंसिडेंट ऑन ए सर्फेस एंड ए लाइन परपेंडिकुलर टू दैट सर्फेस एट दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द रे एंड दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन टॉप फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन। इट कॉजेज चेंजेज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सनलाइट, जिस तरह का सन का हमारा रे का एंगल मिलता जाएगा उस तरह का सन का हमारा कंसेंट्रेशन चेंज होता जाएगा। डिफरेंट सीजन हैव डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको ध्यान में रखते हुए हम हमारा जो सोलर इंस्टॉलेशन करेंगे हम पीवी इंस्टॉलेशन उसके अकॉर्डिंग ही इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट इज आवर जेनिथ एंगल। जेनिथ इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सोलर एल्टीट्यूड जो हमने देखा था, दिस इज द ओवरहेड नॉर्थ पोल इज आवर जेनिथ, दिस इज द ओरिजिन, जहाँ जमीन आकाश से टच हो रहा है दैट इज द ओरिजिन प्लेन। लेकिन इसको हमने चार डायरेक्शन में बांट रखा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो जेनिथ एंगल इज वर्टिकल एंगल बिटवीन द सन्स रे एंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू आउट द पॉइंट, दैट इज द एंगल बिटवीन द बीम फ्रॉम द सन एंड द वर्टिकल इज कॉल्ड द जेनिथ एंगल। यानी कि यहाँ से लेके ये एंगल है हमारा जेनिथ एंगल, दिस इज आवर जेनिथ एंगल थीटा जेड। एंगल ऑफ इंसिडेंट से जो हमारा परपेंडिकुलर बिल्कुल ओवरहेड से जो एंगल बन रहा है वो है हमारा जेनिथ एंगल। ये एंगल जो दिखा रहा है यहाँ पर दिस इज आवर 60 डिग्री ऑफ एल्टीट्यूड एंगल इसको बोलते हैं। ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री भी है यानी कि 90 से हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा जेनिथ एंगल 30 डिग्री का यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ जेनिथ एंगल दिखा रहा है। सो दिस इज आवर जेनिथ एंगल।
नेक्स्ट वी हैव सोलर एजिमथ एंगल. एजिमथ मीन्स जानते हैं इसको डिंगन्स या फिर कई बार हम डिश जो हमारा टाटा स्काई या किसी कंपनी का डिश जो यूज करते हैं उसमें भी हम एजिमथ उसमें डिग्रीज बोलते रहते हैं. अप एंड डाउन मूवमेंट में डिग्रीज में एजिमथ में सेट करने के लिए डिश या फिर किसी मिसाइल को ट्रैक करते हैं तो हम कहते हैं मिसाइल नॉर्थ टू साउथ वो एजिमथ एंगल में मिला है या साउथ या नॉर्थ एटीट्यूड में वो जा रहा है. तो ये एजिमथ कॉमन वर्ड है. सो एजिमथ एंगल क्या है? सोलर एंगल इन डिग्रीज अलोंग द हॉरिजन ईस्ट और वेस्ट सोलर एंगल इन डिग्रीज अलोंग द हॉरिजन ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ. इट इज ए हॉरिजेंटल प्लेन मेजर फ्रॉम नॉर्थ टू हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ सन्स रे. तो इसको हॉरिजेंटल प्लेन में जो एक्चुअली में हॉरिजेंटल प्लेन में हम जो ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है इसमें ये हमारा नॉर्थ एंड साउथ दिस इज आवर ईस्ट एंड वेस्ट. सॉरी ईस्ट एंड दिस इज आवर वेस्ट. ये है नॉर्थ साउथ. सो जो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल जो यहाँ पर बन रहा है इसको हमेशा नॉर्थ से मेजर करते हैं. दिस इज आवर सोलर एजिमथ एंगल दैट इज गामा एस जिसे डिनोट करते हैं जहाँ पे हमारा एल्टीट्यूड लेने जा रहे हैं सेम उसी जगह ऑब्जर्व होना चाहिए. दैट एंगल इज आवर एजिमथ एंगल. सो इट इज हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर फ्रॉम नॉर्थ टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ सन्स रे. ये हमारा ऑल्टीट्यूड है यहाँ से हमारा ये रहा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और यहाँ से जो भी हम एंगल जितना भी आ रहा है इट्स मोर देन 90 से और आगे चला गया. इट्स मे बी वेस्ट को टच करा है 270 डिग्री भी हो सकता है अप्रॉक्स. अभी अगर देखते हैं अप्रॉक्स 270. सो ये हमारा है अजमत एंगल. टिल नाउ वी हैव सीन क्या होता है सोलर एनर्जी सन के बारे में जाना कितना अर्थ से एनर्जी हमारे मिल रहा है देन कैसे हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव सीन सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वी विल सी अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू फॉर गिविंग टाइम. हैव ए नाइस डे.